नमस्कार दोस्तों, इस समय गर्मियों में बहुत ही अच्छे अच्छे फूल आ रहे हैं गर्मियों के। जैसे ये गुड़हल है, इतने सारे आ गए। मैंने इसमें बनाना पील जो होता है उसका लिक्विड फर्टिलाइजर डाला था, वही डालती हूँ मैं, उसी से इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। बहुत ही अच्छा होता है। और ये इस पर भी आप फूल आने लग गए। इसकी तो मैंने कटाई छटाई की थी, इसको बुशी लुक देने के लिए, बहुत ज़्यादा सुंदर हो गया है। ये मौसम भी बहुत अच्छा है, अब पेड़ पौधों की कटाई छटाई करने का बहुत अच्छा टाइम आ गया, इस पर अब फूल आने लगे। इसमें भी मैंने खाद पानी दिया था, अब आ जाएंगे इस पर। वैसे तो गुड़हल के फूल बहुत ही सुंदर होते हैं, ये अलग ही डिजाइन है, कलर भी बहुत अच्छा आया है। एक ही प्लांट पे इतने सारे आ गए हैं। मोगरा का अभी नहीं आया, इसके फूल अभी नहीं आए, तो मैं आज इसमें खाद दूंगी। और यहाँ पर ये तो बहुत ही खूबसूरत है, एक अलग ही खूबसूरती होती है इसकी। महीने में दो बार आ जाते हैं इसमें फूल, गर्मियों का सबसे अच्छा होता है ये। इस तरह के पौधों को हमें अपने गार्डन में जरूर शामिल करना चाहिए, अच्छे भी लगते हैं देखने में। और यहाँ पर नागचंपा, अच्छा लगता है ये भी देख के। इस पे भी इतने सारे आते हैं ना गर्मियों के, ये प्लांट वाकई में बहुत खूबसूरत होते हैं। नवंबर तक आएंगे, उसके बाद तो ये सब कुछ दिनों के लिए रेस्ट पे चले जाएंगे। अभी गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो गई है हमारे यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। बरसातें ख़त्म हो गई हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, एक महीना ऐसे ही रहेगा। और बरसातें तो अब लगभग ख़त्म ही हो गई हैं। तो सबसे पहले जो हम काम करना चाहिए इस समय, हर एक प्लांट की जो मिट्टी होती है ना, ये मैं आजकल इन सब की गुड़ाई कर रही हूँ, इतनी सख्त हो गई है, दिन में दो बार पानी देना पड़ता है। गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है, गुड़ाई करके छोड़ दीजिए तो जो भी इसके अंदर कीड़े वगैरह होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। ये काम भी सुबह सुबह होता है, उसके बाद तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि गुड़ाई नहीं होती या फिर शाम को करनी पड़ती है। मैं भी सुबह सुबह 5-6 बजे उठ के ये गुड़ाई का काम कर रही हूँ। गमले, ये पौधे बहुत ज़्यादा हैं तो 3-3 गमले या 2-2 गमले करके फिर से गुड़ाई कर रही हूँ। गुड़ाई करने से क्या है ना, मिट्टी मुलायम सी हो जाएगी, इतनी सख्त हो गई है, हार्ड हो गई है बिल्कुल ही। और उसके बाद उसमें खाद, ये वर्मी कंपोस्ट है जो मैं आजकल अपने सभी पौधों में डाल रही हूँ। बरसातें इतनी हुई थी कि मिट्टी के अंदर जो भी हमने डाला था वो सब पानी में बह गया है। 2 महीने बहुत बारिशें हुई थी, तो वर्मी कंपोस्ट, नीम खली या जो भी खाद आपके पास है वो इस समय अपने पौधों में ज़रूर डालनी चाहिए। ये करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी तो हमारे प्लांट इतने सुंदर होते हैं, हरे भरे, और गार्डन भी बहुत सुंदर लगता है। इससे खाद देना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पर मैं जो नीम केक है उसका भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बना रही हूँ, जो अपने सभी पेड़ पौधों में डालूँगी। 24 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दूँगी और उसके बाद ये बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। नीम केक हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये मैंने एक कटोरा लिया है पूरा, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, ऐसे दानेदार होती है। अगर हम अच्छी क्वालिटी की लेंगे तो उसमें से नीम की खुशबू ज़रूर आएगी, तो इसमें से आती है और ये बहुत ही अच्छी होती है। मैं ये वाला इस्तेमाल करती हूँ, नीम कवच, बहुत ही अच्छा मिला है मुझे ये। और इसको मैं पानी में भिगो कर 24 घंटे के लिए रख दूँगी।
ये भी बहुत अच्छा होता है, जो भी हमारे यहाँ प्लांट में कीड़ा वगैरह होगा वो ख़त्म हो जाएगा। ऑर्गेनिक चीज़ों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। और यहाँ पर मैंने जो पालक लगाई थी वो बहुत अच्छी तरह से हो गई है सब्जियाँ। तो ओके दोस्तों, ऐसे ही छोटे छोटे काम करते रहिए गार्डन के। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो देखना जरूर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।